उमर यूब साहब खबर है कि नहीं? 5 बजे बुलाया गया था इजलास, इतनी गैर संजीदगी नजर आ रही है हुकूमत की तरफ से। इनका कोई डिस्पैच राइडर कहीं से आना था, वो गुम हो गया, उसकी वो पट्टी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, उस पे वो बेल्ज उनके पड़े हुए हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं, बंदा इनका गुम हो गया लग रहा है। आपने ट्वीट की है कि इस कमेटी के पास कोई राइट नहीं है, बिल्कुल नहीं तरमीम के वाले। अब जो आप घर बैठे थे तो क्या कुछ डिस्कस हो रहा है आप? कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं, कुछ डिस्कस हो रहा। हम तो देखें सबसे चीज यहाँ पे बैरिस्टर साहब ने, सरदार साहब में हमारी रिकमेंडेशन की स्पेशल कमेटी बनी थी कि एमएनएस के जो हमारे राइट्स हैं पार्लियामेंट के, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में कोई चीज़ हो तो बात करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो लाना चाह रहे हैं, इसका तो ये मैंडेट ही नहीं है। और मैंने यहाँ पे खुल के कहा है, और मैंने कहा इसके मिनट्स में ये डालें, और ये भी कहा है कि ये काजी फैज ईसा स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है, इसका हम लोग कभी हिसाब नहीं लेंगे। किसी आईनी तरमीम का हिसाब नहीं, आपने कहानी की तरह दिखाई कर क्या रहे हैं, कोई हाल की नहीं। एक बिस्कुट और एक बिस्कुट और एक चाय, अभी वॉकआउट कर रहे हैं कुछ है ही नहीं वहाँ पे, हम लोग क्या करें उधर बैठ के कागज परो लेंगे। यानी पीटीआई को इतनी बड़ी अपोजिशन जमात को इतना संजीदगी से जी, किसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से भी किसी से इन्होंने कोई चीज इनके पास है ही नहीं बात करने की, तो हम लोग क्या बात करेंगे। ठीक है।